मॉनसून सीजन यानी पाउस आते ही पुणे में नज़ारे बड़े ही हसीन हो जाते हैं, तो क्यों ना इस मॉनसून मैं आपके साथ शेयर करूं अपने कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस। हे एवरीवन, दिस इज श्रेया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल लिविंग इन पुणे और मुंबई और अराउंड देम, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्पॉट्स बताने वाली हूँ विच आर वेरी लेस क्राउडेड। एंड वॉट गेव मी द आइडिया ऑफ दिस वीडियो, एक्चुअली आई वॉज स्क्रोलिंग माई इंस्टाग्राम एंड आई सॉ हर कोई लोनावला जा रहा है, हर कोई खंडाला जा रहा है। प्लीज मत जाओ यार, बहुत सारी और जगह है पुणे के आसपास एक्सप्लोर करने के लिए। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो कीप वॉचिंग एंड विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द वीडियो। दापोली बीच। दापोली बीच इज वन ऑफ द क्वाइटेस्ट बीचेस ऑफ रत्नागिरी एंड नॉट टू फॉरगेट द लीस्ट क्राउडेड बीच I have ever seen. You can literally see in the video there's not even a single person standing on the beach, aur aisa lagta hai jaise aapka private beach ho. यहाँ तक पहुँचने के लिए आई वुड सजेस्ट आप अपनी कोई प्राइवेट कार या फिर कोई टैक्सी हायर करके जाएं, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है। दूसरा, द रोड इज नॉट एट ऑल इन अ गुड कंडीशन। And when I visited Dapoli, we stayed at the Fern, which is one of the best hotel chains in the country, and their hospitality is mind blowing. So, बहुत अच्छा है वो resort, तो आप वहाँ पे stay कर सकते हैं। Kas Lake, Kas Lake एक बहुत ही प्यारी lake है, जहाँ monsoon में जाने पर आपको almost किसी hill station पे होने का एहसास होता है। ये एक city के पास located है, जिसका नाम है Satara, and it is around 140 kilometers. वहाँ पहुँचने के लिए आई वुड रिकमेंड आप अपना खुद का व्हीकल लेके जाएं, एंड वो भी 4-wheeler, बिकॉज 2-wheeler के लिए रास्ता काफ़ी लंबा है। नेक्स्ट इज भुलेश्वर टेम्पल। भुलेश्वर टेम्पल इज एन एंशियंट शिवा टेम्पल विच इज सेट टू बी बिल्ट बाई पंच पांडव अकॉर्डिंग टू द हिंदू माइथोलॉजी। इसको बाद में इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल। बाहर से इट लुक्स लाइक अ मॉस्क एंड फ्रॉम द इनसाइड इसमें बहुत ही सुंदर हिंदू गॉड गॉडेसेस की कार्विंग्स हैं, जिनको बहुत ब्यूटीफुली प्रिजर्व करके रखा गया है। दिस इज वॉट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर टेम्पल्स इन इंडिया। इट इज लोकेटेड अराउंड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे टूवर्ड्स पुणे सोलापुर हाईवे। So if you do not wish to visit Bhuleshwar temple, then you can visit this Mayureshwar wildlife sanctuary, which is 63 kilometers from Hadapsar in Pune, and around 10 kilometers, 10 to 15 kilometers from Bhuleshwar temple. तो अगर ये खुल गया है तो आप विजिट जरूर करें, और यहाँ पे आपको काफी सारे एनिमल स्पॉट करने को मिलेंगे, गजेल, डियर। बेस्ट पार्ट इज आपको कुछ बर्ड्स भी स्पॉट करने को मिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी। वैसे मैं ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट नहीं करा मैंने, लेकिन मेरे को याद है कि जब मैं भुवनेश्वर जा रही थी तब रस्ते में ही हमें 3 पिकॉक्स दिखे थे और एक ब्लू कलर की बहुत ही प्यारी बर्ड थी। तो आई थिंक इफ यू आर अ बर्ड लवर और एन एनिमल लवर, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस सेंचुरी, एंड इट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट सेंचुरीज फ्रॉम पुणे। भोर, which is another beautiful scenic lake. The cotton-like clouds, sparkling water, all make a perfect scenery together. The main attraction of this point is definitely the lake, but yahan on the corner of the lake aapko bahut se resorts milte hain jo ki aapko camping and other adventure activities bhi offer karte hain. To reach Bhor, you can again take your private vehicle or hire a cab, because that is what I would suggest. Or it will take you around 2 to 3 hours to reach Bhor. Okay, coming to Bhor. Why Bhor is special? Because एक तो भोर के आसपास बहुत सारी मूवीज की शूटिंग हुई, नहीं बट जॉली LLB, चलते चलते, रमैया वस्तावैया, खाकी, इन सब पिक्चर्स की शूटिंग यहीं के पास में एक गांव है, ना रहे गांव करके, वहां पे शूटिंग हुई है। तो ये आप सोच सकते हैं कितना सीनिक और ब्यूटिफुल स्पॉट होगा। Oh my god, I'm literally using beautiful for anything. I'll change the adjective now. So yeah. Last spot on our list is ND's Film City,
विच इज अ फिल्म सिटी, जहाँ पे अलग अलग मूवीज के सेट्स बने हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे संजू और प्रेम रतन धन पायो। ये जगह काफ़ी एंटरटेनिंग है और एक्साइटिंग है, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। दिस इज लोकेटेड अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पुणे एंड इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours टू रीच हियर इन करजत। आई एम गोइंग टू मैंशन द लिंक ऑफ द वेबसाइट बिलो, ताकि आप देख सकें कि वो कब से बुकिंग्स ओपन कर रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू कॉल देम एंड आस्क देम। बाकी यहाँ का जो फेयर है पर पर्सन, दैट इज अराउंड 1000 rupees। सो ये काफ़ी एंटरटेनिंग स्पॉट है और ये काफ़ी हट के एक जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप करजत जा रहे होते हैं बाई कार तो इतना सुंदर सीन होता है, बहुत ही सुंदर सीन होता है, बिकॉज हर तरफ ग्रीनरी होती है, वाटरफॉल्स बने हुए होते हैं। करजत इज यू नो अराउंड 40 किलोमीटर्स अहेड ऑफ लोनावला। आई एम सजेस्टिंग कि अगर आप कुछ अलग हट के देखना चाहते हैं तो यू शुड विजिट एंडीज फिल्म स्टूडियो। यहाँ पे एक शो भी होता है जिसमें अलग अलग लोग आके अपने टैलेंट्स दिखा के आपको एंटरटेन करते हैं, एक स्टेज शो सॉर्ट ऑफ होता है। तो आई थिंक दिस इज आर द 5 places दैट आई वुड सजेस्ट यू टू विजिट। भाई मत जाओ लोनावला यार, कुछ नहीं रखा है लोनावला में। I think this is it for the video. I hope you liked it. Do not forget to subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Bye-bye.